dear students in this lecture we will discuss about crystal field theory so crystal field theory that is cft and this theory uh, uh, describe discuss about the uh, type of metal ligand bonding what kind of bond occur in between metal and ligand in a coordination compound so uh, we will discuss uh, because we have studied already the limitations of valence bond theory so that limitations were uh, actually uh, overcome by uh, the crystal field theory so let's let's discuss about crystal field theory crystal field theory was given by beth and black in 1930s is theory ko jo crystal field theory theory beth and black ne in 1930s इट एक्सप्लेन्स दलर मैग्नेटिक बिहेवियर ए स्पेक्ट्रा एंड नेचर ऑफ लिगेंट्स तो इस थ्योरी ने वो drawbacks को बाहर किया जो ड्रॉबैक्स किसके थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी नेचर ऑफ लिगेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी तो वो किसने एक्सप्लेन किए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सी द डिफरेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ सी एफ टी क्या उसके डिफरेंट पॉइंट्स थे मेन पॉइंट्स थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये बताया कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो कोवलेंट नहीं होता है जबकि वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट टाइप होती है लेकिन सी के अकॉर्डिंग ये बॉन्डिंग आप देखेंगे कोवलेंट नहीं होती है so according to cft अगर हम पहले लिगेंड्स को देखें तो लिगेंड्स में भी आइदर दर एनाइनिक स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज तो जो लिगेंड्स हैं उनको ये माना गया सी में कि वो या तो एनाइनिक स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या वो न्यूट्रल स्पीसीज होंगी और न्यूट्रल स्पीसीज कैसी होंगी डाई यानी उनमें दो तरीके के पोल्स होंगे जैसे एच टू आप देखेंगे ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और इन हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है लाइकवाइज यहां पर आप देखेंगे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है सो दीज विल एक्ट एज डाइपोलर्स एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है बाकी जो एटम्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो ये एज्यूम किया गया CFT में कि लिगेंट्स जो है वो या तो एनाइंस हैं या फिर क्या है न्यूट्रल डाइपोलस स्पीसीज है तो अब दूसरा जो पॉस्टुलेट है वो क्या है जो अकॉर्डिंग टू सी एफ टी द एम एल बॉन्डिंग इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टेटिक और आयनिक तो CFT के अकॉर्डिंग क्या है जो M और L के बीच की जो बॉन्डिंग है मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टेटिक होती है या आयनिक होती है वो कोवलेंट करेक्टर की नहीं होती है तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं देखिए ये मेटल मेटल और मेटल एटम इट मे भी मेटल एटम और इट मे भी मेटल आयन तो ये कैसा होता है मेटल कैसे होते हैं नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हम नहीं कहेंगे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं वो आसानी से पॉजिटिव स्पीसीज में कन्वर्ट हो सकते हैं उनका नेचर कैसा होता है पॉजिटिव अब जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो देखिए मान लीजिए इस तरीके का लिगेंड आ रहा है जो कि कैसा है डाइपोलर तो जब डाइपोलर लिगेंड मेटल के नजदीक आएगा तो मेटल क्योंकि कैसा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में तो इस इस डाइपोलर का जो नेगेटिव पोल होगा वो मेटल की ओर होगा तो क्या होगा कि ये लिगेंड मेटल की ओर आ रहा है और ये क्या होगा अट्रैक्शन होगा क्यों होगा अट्रैक्शन क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है डाइपोलर के इस पार्ट में और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट तो यहां पर कैसा फोर्स होगा अट्रैक्शन का अब दूसरी चीज क्या है देखिए जो मेटल है मेटल के पास क्या है इट हैज डी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास क्या है डी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं नेगेटिवली चार्ज अब आप देखिए इसके ऊपर कैसा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है तो क्या होगा कि पहले जब लिगेंट मेटल के पास आएगा तो अट्रैक्शन होगा क्योंकि इसका नेगेटिव पोल और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कुछ समय के बाद क्या होगा ये जब नजदीक आएगा तो मेटल में क्या प्रेजेंट है डी इलेक्ट्रॉन तो डी इलेक्ट्रॉन इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका नेगेटिव पोल है इसको क्या करने लगेंगे रिपेल करेंगे तो एक तो होगा अट्रैक्शन और दूसरा क्या होने लगेगा रिपल्शन आफ्टर सम टाइम रिपल्शन होगा और ये रिपल्शन दो तरीके का होता है एक रिपल्शन तो इसका जो डाइपोलर का जो नेगेटिव पोल है और जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्शन होगा दूसरा इस लिगेंड के न्यूक्लियस और इस मेटल के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा जो मेटल के और डाइपोलर के ऑक्सीजन के जो बीच न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्शन होता है उसका एक्सटेंट कम होता है तो यहां पर रिपल्शन होगा ओके क्लियर है आई थिंक मेटल इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव and this is dipolar or this may be an anionic species so this will attract towards the metal after attraction this this negative pole will repel the d electrons of the metal center then repulsion will takes place एंड यू नो दैट व्हेन रिपल्शन इज देयर जब भी रिपल्शन होगा एनर्जी क्या होती है हाई होती है तो जैसे ही डी ऑर्बिटल्स का रिपल्शन होगा ये पांच जो डी ऑर्बिटल है ये नंबर है पांच डी ऑर्बिटल्स जो थे वो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्योंकि रिपल्शन हो रहा है इसलिए उनकी एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी और उसकी जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू सेवरल ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो डी ऑर्बिटल हैं उनकी स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग होने के बाद वो डिफरेंट uh, ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे कौन जो डी ऑर्बिटल्स हैं और ये जो स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की वो डिपेंड करेगी कि कॉम्प्लेक्स की, की ज्योमेट्री कैसी है वो आपको समझ में आ जाएगा व्हेन यू स्टडी अबाउट द क्रिस्टल फ्रीड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ टेट्राहीट्रल कॉम्प्लेक्स देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्प्लिटिंग अगर आप ये समझ गए हैं कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो लिगेंड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वो अट्रैक्ट कर रहा है जब वो नजदीक आएंगे तो फिर डाइपोलर का नेगेटिव पार्ट या एनआईन का नेगेटिव पार्ट एनआईन तो नेगेटिव ही है वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिपेल करेगा और इस रिपल्शन की वजह से तो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और उसके बाद क्या होगा उस डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी और वो जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री कैसी है कॉम्प्लेक्सेस की अब अगर हम फ्री मेटल आयन को देखें सो इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल है सेम एनर्जी ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल फाइव डी ऑर्बिटल मीन्स ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल दे हैव द सेम एनर्जी आपने देखा है उन सब की एनर्जी क्या होती है बराबर होती है ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं डी जेनरेट डी ऑर्बिटल्स आई विल शो यू सो यू कैन सी अगेन दिस इज द द डी ऑफ डी ऑर्बिटल्स एक दो तीन चार पांच पांच ऑर्बिटल है पांचों की एनर्जी बराबर है एक साथ हमने लिखे हैं तो ये किसके होते हैं फ्री मेटल आइन के तो जब हम फ्री मेटल आइन को देखेंगे तो उनकी डी होती है सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं द डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग गैंड दे हैव हायर एनर्जी ड्यू टू मोर रिपल्शन तो अभी हम देखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल्स जो इनकमिंग लिगेंड के रास्ते में आ जाएंगे उसकी डायरेक्शन में होंगे वो उनका रिपल्शन ज्यादा होगा ठीक है जैसे मैं जो हूं किसी रोड में चल रहा हूं मैं कहीं चल रहा हूं तो वहां सामने से अगर कोई मुझे अटैक करे तो मेरा रिपल्शन ज्यादा होगा मैं ज्यादा तेजी से भागूंगा लेकिन अगर मैं कहीं साइड में हूं साइड में हूँ मैं सामने नहीं हूं तो मैं बच भी सकता हूँ मेरा रिपल्शन उतना नहीं होगा तो ऐसे ही क्या है कि जो डी ऑर्बिटल इनकमिंग लिगेंड्स के रास्ते में आएंगे उसके डायरेक्शन में होंगे दे हैव हायर एनर्जी ज्यादा उनकी एनर्जी होगी ड्यू टू मोर रिपल्शन उनका रिपल्शन क्या होगा हायर होगा वो आप डिफरेंट शेप्स ज्योमेट्री की जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लेटिंग पड़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा तो ये तीन मेन जो पॉस्टूलेट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पहला पॉस्टुलेट क्या था कि जो लिगेंट्स है उनको माना गया है कि वह एनाइनिक स्पीसीज हो सकती है न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है दूसरा आपने देखा जब लिगेंट जो है वो मेटल के पास आएगा तो पहले अट्रैक्शन होगा नेगेटिव पोल और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल में एंड देन रिपल्शन विल टेक्स प्लेस इन बिटवीन नेगेटिव पोल एंड डी इलेक्ट्रॉन अभी जो रिपल्शन होगा इस रिपल्शन की वजह से जो पांच डी ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी फ्री मेटल आयन में बराबर थी दे आर डी जेनरेट डी ऑर्बिटल्स उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी और जो स्प्लिटिंग होगी दैट विल डिपेंड अपॉन दूमिट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स देन आप देखें कि वो डी ऑर्बिटल जो कि डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लिगेंड पे होंगे उनकी एनर्जी अधिक होगी और उनका रिपल्शन क्या होगा अधिक होगा तो इस स्प्लिटिंग को समझने के लिए जब हम डिफरेंट uh, शेप्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, तो उसको समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल तो उस स्प्लिटिंग को समझने के लिए पहले हमें डी ऑर्बिटल्स के शेप को समझना होगा बहुत अच्छी तरीके से आप इन शेप्स को समझेंगे तो ये जो शेप्स हैं वो पांच डी ऑर्बिटल्स के हैं उन डी ऑर्बिटल्स का नाम आप जानते हैं क्या है डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर तो ये शेप आप जानते हैं शेप, आप नाम जानते हैं अब मैं शेप के बारे में कुछ डिस्कस करूंगी यहाँ पर जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है वो वेव रिप्रेजेंटेशन किया है तो आपको यहाँ पर प्लस साइन दिखाई दे रहा है माइनस साइन दिखाई दे रहा है हर एक ऑर्बिटल में तो वो प्लस और माइनस क्या है वो वेव के साइन है इन ऑर्बिटल्स में वो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है ये क्या है सिंपल आर वेव साइंस ओके अब हम देखें ये दो ऑर्बिटल मैंने अलग लिखे हैं ये तीन ऑर्बिटल अलग लिखे हैं तो अगर हम इस ऑर्बिटल को देखें तो देखिए सॉरी इफ दिस इज वाई डायरेक्शन ओके दिस इज वाई डायरेक्शन सो दिस इज एक्स डायरेक्शन दिस इज वाई डायरेक्शन तो आप ये देखिए कि ये जो लोब्स है डी ऑर्बिटल आर डबल डम्बल शेप एंड ये जो लोब्स है आप देख सकते है ये एक्स एक्सेस से होता हुआ जा रहा है एंड ये जो लोब है देखिये ये वाला लोभ ये वाई एक्सेस से होता हुआ जा रहा है तो हम ये कहेंगे की डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ऐसा ऑर्बिटल है जहां पर जो लोब्स है दे आर अलोंग द एक्सेस सो दीज आर अलोंग द एक्सेस ओके देखिये ये लोब एक्स एक्सेस की ओर है और ये वाला लोब वाई एक्सेस की ओर है सो दिस ऑर्बिटल इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब ये अगर हम ऑर्बिटल देखे तो ये आप देख सकते हैं कि जो लोब है ये जेड डायरेक्शन में है ठीक है तो ये कैसा ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर सो अगेन द लोब्स आर अलोंग द एक्सेस जेड एक्सेस की ओर है तो इसको हम क्या कहेंगे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ओके नाउ कम टू दिस दीज थ्री ऑर्बिटल्स अब आप तीन ऑर्बिटल्स में आ जाइए ये तीन ऑर्बिटल्स को अगर हम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए एक्स और जेड एक्सेस है लेकिन लोप कहाँ है देखिए जेड और एक्स के बीच में जेड और एक्स के बीच में ऐसे ही अगर डी वाई जेड ऑर्बिटल होगा तो लोब कहा होंगे ये देखिए जेड और वाई के बीच में और अगर डी एक्स वाई ऑर्बिटल होगा तो कहाँ पर होंगे एक्स और वाई के बीच में तो अभी मैं आपको एक और देखिए अभी मैं आपको अंतर दिखा सकती हूँ इसी स्ट्रक्चर में जो मैंने यहाँ पर वाई किया हुआ है अगर हम डीएक्स वाई और डी किस में देखें अंतर अगर हम डीएक्स वाई तो ये देखिए यहां पर इन बिटवीन द एक्सेस और यहां पर जो लोब है वो ये देखिए ये लोब्स एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से होता जा रहा है सो दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये अंतर है यानी ये वाले जो लो ऑर्बिटल्स हैं दे आर इन बिटवीन द एक्सेस ये हम इनमें एक डिफरेंस पहले हमें देखना है डी ऑर्बिटल्स में यहाँ पर जो लोब्स हैं दे आर अलोंग द एक्सेस एक्सेस से होते हुए जा रहे हैं दो जो ऑर्बिटल्स हैं स्कौर, स्कौर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर और अगर हम इन तीन ऑर्बिटल्स को देखें तो यहां पर जो लोब्स हैं दे आर इन बिटवीन द एक्सेस तो नंबर वन डिफरेंस अब आप देखिए कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं जी रेड क्या कहते हैं जी रेड ऑर्बिटल तो जी रेट ऑर्बिटल क्या है देखिए जी रेट आपने पढ़ा होगा कि हम एक तो ई जी सेट लिखते हैं एक लिखते हैं टी टू जी सेट तो यहां पर ई का मतलब है ई का मतलब है दो ये वन टू कितने ऑर्बिटल है एक दो. दोनों की एनर्जी बराबर है तो हम कहेंगे ई फॉर डबली डी जेनरेट ई फॉर डबली degenerate, degenerate मतलब जिनकी एनर्जी बराबर होती है तो अगर हम कहीं पर ई लिख रहे हैं मतलब दो ऑर्बिटल हैं, और दोनों की एनर्जी क्या है बराबर है अगर हम टी लिख रहे हैं तो टी का मतलब होगा ट्रिपली डी तो ये टर्म आप कहा पर पढ़ेंगे सी एफ टी में आप टी टू जी भी पढ़ते हैं आप ई जी भी पढ़ते हैं तो ई e का मतलब है दो ऑर्बिटल होंगे दोनों की एनर्जी बराबर होगी टी का मतलब है तीन ऑर्बिटल होंगे तीनों की एनर्जी बराबर होगी तो अगर ये तीन ऑर्बिटल हैं तीनों की एनर्जी बराबर है तो वो टी टू जी सेट कहलाएगा अगर दो ऑर्बिटल है दोनों की एनर्जी बराबर है तो वो क्या कहलाएगा ई जी सेट अब देखिए तो जी हमने लिखा है जी का मतलब क्या होता है जी रेड जी रेड हम किसे कहते हैं रेट हम एक तो हम कहाँ पर यूज करेंगे रेट हम यूज करेंगे जहां पर जो, जो जोमेट्री है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ऑक्टा कॉम्प्लेक्स सो ऑक्टा कॉम्प्लेक्स के केस में वी यू जी हम जी का यूज करेंगे जबकि टेट्राहेड्रल के केस में अभी तो आप करेंगे लेकिन लेटर ऑन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पर जी का यूज नहीं करते हैं जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है ओके तो जी का यूज कहां पर करना है जहां पर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी कहां पर नहीं करना है जहां पर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी Osionfish. अब ये जी रेट का मतलब क्या है अब देखिए इसको देखिए आप अगर हम इस एक्सेस में इस, इस लोप से इस लोप की ओर देखें तो माइनस से माइनस की ओर देख रहे हैं और अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो प्लस से प्लस जा रहे हैं अगर हम प्लस यहाँ से यहाँ जाएं तो प्लस से प्लस यहाँ से यहाँ जाएं तो माइनस से माइनस अब यहाँ देखिए इस लोप से इस लोप जाइए प्लस से प्लस यहाँ से यहाँ जा रहे इस लोप से जाइए माइनस से माइनस आ रहे हैं इसका मतलब इस इन ऑर्बिटल्स में क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ इन्वर्जन है तो अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो हमें सिमिलर ओरिएंटेशन मिलेगा तो इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे जी रेड तो जहां पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं लोग की ओर तो ऐसे ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं जी रेड ऑर्बिटल्स और जहां पर जैसे आपने पी ऑर्बिटल देखा होगा अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो यहां पर कैसे होता है देखिए ऐसे एक में प्लस साइन होता है एक में माइनस साइन होता है तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं यू ये अनजीरेड ऑर्बिटल कहलाते हैं तो इसलिए जो है आप अगर समझ गए होंगे डी ऑर्बिटल्स पांच होते हैं पांच में भी दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स अलोंग द एक्सेस होते हैं तीन ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं ये सभी जीरेड होते हैं जीरेड इसलिए होते हैं क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है इसलिए ये जीरेड ऑर्बिटल होते हैं और ई का मतलब है डबल डी जेनरेट का मतलब है ट्रिपली डी जेनरेट So, this is all about uh, the postulates of crystal field theory, and I have also discussed the shape of d orbitals. Let us conclude the lecture. इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है तो वो क्या निकल के आई वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्डिंग होती है फिर आपने देखा कि क्योंकि हमें इसके पैटर्न को जानने के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दी डी ऑर्बिटल्स शेप तो हमने इसमें क्या पढ़े uh, पांच डी ऑर्बिटल के शेप आपने देखे कि दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिन जो अलॉन्ग द एक्सिस हैं जिनके और तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं तो जब हमने ये पढ़ लिया है नाउ इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पोस्टुलेट्स सो थैंक यू वेरी मच